Happy anniversary, guys. अरे इसकी क्या जरूरत थी राजदीप, सब यही कहते हैं. प्लीज कंग्रेचुलेट अनुष्का, शी इज आवर न्यू इंटर्न फॉर दिस ईयर. एंड विराट इज गोइंग टू बी आवर न्यू जूनियर एसोसिएट. ओह कांग्रेचुलेशंस. एंड ऑफ कोर्स नीरज, द स्मार्टेस्ट ऑफ देम ऑल, क्योंकि अब तक सिंगल. राइट, जास्ता दिवस नहीं है राजदीप, इसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं. इससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं. वैसे थोड़ा ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है, बट शादी नाम का ड्रिंक ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है. I'm sure Anushka is going to try it but once in a lifetime. केस नंबर 324, विजय चतुर्वेदी वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. एक अच्छा लॉयर बनने के लिए पहले एक अच्छा एक्टर बनना पड़ता है. वहां उस आदमी को देख रहे हो वहां पे? लॉ स्कूल में मेरा क्लासमेट हुआ करता था. नाम क्या है मुझे नहीं पता, नीदर टू आई केयर, पर एक अच्छा लॉयर सामने वाले को क्या बिलीव करवा सकता है? वॉच एंड लव. हे बनी. राजदीप. कहाँ गायब हो जाता है, ना कॉल ना मैसेज? मैं? वो मुझे नहीं पता. तेरी यही आदत मुझे पसंद नहीं. I'm sorry. अच्छा हुआ भाई एक्टर नहीं बने, वरना दिलीप कुमार, संजीव कुमार सब थेस्पियंस का करियर खा जाते. आप लोग ब्रेक ले लीजिए. थैंक यू. टाटा. कर्सी अंकल वांट्स मी टू टेक अप द तारा कॉल केस एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर. उन्होंने कहा यू शुड बी प्राउड ऑफ मी. That I know it's a big opportunity, but there's a lot at stake here. इसे मेरा नाम होगा, फॉर्म का नहीं. आप क्या करते हैं डॉक्टर? कर्सी ने बताया. कंग्रेचुलेशंस बेटा, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू. भाई तुम्हारी बेटी तुमसे भी आगे निकल जाएगी, देखना. नेवर. माय डैडा इज द बेस्ट राइस इन खानी लॉयर. उन्हें कोई सरपास नहीं कर सकता. ऑल्सो चाचू, मैंने अभी तक केस एक्सेप्ट नहीं किया है. चाचू, माई प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी द फर्म. ऑफ कोर्स. लेकिन एक बात याद रखो, इतनी कम उम्र में ऐसा मौका मेरे लेजेंडरी भाई को भी नहीं मिला था. दिस इज गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक अपॉर्चुनिटी फॉर यू प्रोफेशनली. आई नो ऑफिस में कुछ लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आई नो दैट, लेकिन मैं हूं ना, तुम्हारे चाचू सब फिक्स कर देंगे. डोंट यू वरी, आई डोंट थिंक यू शुड मिस दिस अपॉर्चुनिटी. भाई भी यही चाहते हैं. थैंक्स चाचू.
अब एक स्पेशल परफॉर्मेंस हमारे घर की नाइटिंगेल की तरफ से। सो प्लीज वेलकम द स्टनिंग आवर वेरी ओन डीवा गायत्री राय सिंघानी। गायत्री 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 माई जी माई जी। ओके यस गो फॉर इट मामा। टुकुर टुकुर देखे काहे अखियां चुराए। टुकुर टुकुर देखे काहे अखियां चुराए। यूं ही चुप रहेगा तो यूं ही चुप रहेगा तो चिड़िया कहीं फुरना हो जाए। टुकुर टुकुर देखे काहे अखियां चुराए। I am very, very happy कि हम सब एक साथ हैं। And I am really happy कि अनुष्का ने finally prove कर दिया that she is the real Raj Singhani. Anushka will be the special prosecutor in the Tara Call case. चाचू मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है। मच एक्सपेक्टेड। यू नो तुम बहुत सोचती हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो सोया वो खोया। ये तो प्रॉब्लम है। सोचना हम राय सिंघानी वालों का ना सेकंड नेचर है। तुम नहीं समझोगे, तुम तो सोचते। अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि हम मेहताज के पास दिमाग नहीं है? नहीं, मैं पूरे पैदा परिवार के लिए नहीं कह रहा हूं ऐसा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या? मेरे लिए क्या है? Enough is enough. राधा की शादी से देख रहा हूँ तो मुंबई वालों का ना कुछ ज्यादा ही नाटक है। अच्छा किस बात का एटीट्यूड है तुम लोगों का? किस बात का एटीट्यूड है? किस बात का एटीट्यूड है? बेटा मजगांव डाक में जाके पूछना कि देव राय सिंघानी कौन है। ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे ना। ये दिल्ली वाला एटीट्यूड है तुम्हारा, यूं 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 उड़ जाएगा, समझे ना बेटा। हाँ दिल्ली वालों का एटीट्यूड नहीं होता है। क्या होता है? दर्शन होता है। तेरे बैन हाय प्रशांत जी, हमारे काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं बट अनफॉर्चुनेटली हमें पहली बार ऐसे मिलना पड़ रहा है। एनीवे लेट्स कट द चेज एंड कम टू द पॉइंट। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगा है आप पे, आपकी साली ने। बट डोंट वरी, मेरी टीम और मैं ये बेसलेस एक्यूजेशंस को पहली हियरिंग में ही खत्म कर देंगे। सेक्शन 107 और सेक्शन 306 ऑफ द IPC
इतना आसान नहीं होगा वकील साहब। इंडिया के टॉप क्राइम शो का एंकर हूं मैं, मेरी लीगल नॉलेज किसी लॉयर से कम नहीं है। बाय द वे लोग ना मुझे एसीबी प्रद्युमन के नाम से पुकारते हैं। सबकी खबर रखता हूं मैं, और वो भी सबसे तेज। शायद इसी तेज दौड़ के चक्कर में आपने किसी का रास्ता काट दिया और वृंदा के थ्रू उन्होंने आपसे बदला लिया। देखिए प्रशांत जी, दया की तरह वो दरवाजा तो तोड़ नहीं सकते, बट आपकी इमेज। आजाद सोच, आजाद ख्याल और आजाद बातें, लोग ना सिर्फ हीरो की सुनते हैं, विलन की नहीं। बस आपको भी हमें हीरो बनाना है। जानते हैं हीरो हीरो कैसे बनता है? विलेन की वजह से। बट डोंट वरी, आपकी पास लाइफ से कोई ना कोई तो हम ढूंढ ही लेंगे, जस्ट टू चेंज द नैरेटिव। आई काइंड ऑफ लाइक यू मैम, बट आई नीड अ टीम ऑफ टॉप लॉयर्स। बोगी एक इंजन से भी चल सकती है, पर मुझे चलना नहीं है, मुझे दौड़ना है, वो भी सबसे तेज। डोंट वरी प्रशांत जी, हम उड़ेंगे। I'll take your leave. कुत्तों को गाड़ियों के पीछे तो भागते हुए देखा है, बट लाइन के पीछे लॉयर को भागते हुए ऐसे पहली बार देखा। तू गाड़ी के पीछे कुत्तों को भागते हुए देख क्यों रहा राहुल? बड़े हो गए हम, ये टुच्ची हरकतें बंद कर दे। डर क्या क्या? डरते तो बराबरी वालों से है ना, तू तो फिर भी। ओए, तू आउटसाइडर है, जतिन खुराना का सक्सेसर मैं हूं, बराबरी तो तू कर भी नहीं सकता। प्रशांत राधाकृष्ण का केस मैं ही लड़ूंगा, उसी को पोस्ट करने आया था। यू नो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिलना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, पर एनीवेज थोड़ा बड़ा हो जा, बच्चे नहीं हैं हम, बी प्रोफेशनल। ओके, पर्सनल चीज़ों को भी हमेशा मैंने प्रोफेशनल ही रखा है विराट। अनुष्का तुझे पसंद थी, इसलिए आज तक उस पर हिट भी नहीं किया है मैंने। आई रिस्पेक्टेड योर टर्फ, अब तू मेरी टर्फ की इज्जत कर। सिंपल अलार्म फ्रॉम वन मैन टू द अदर। सोचूंगा। ओके, nonsense. Special prosecutor होने से हमारी firm की position को कोई फायदा नहीं होने वाला। It's just waste of time and resources. Exactly. Special prosecutor को government peanuts pay करती है। जब हमारे high paying clients को ये पता चलेगा कि हम चिल्लर के लिए लड़ रहे हैं, they'll feel cheated. ऐसे करोगी firm की rankings better? Unless of course, अपने father की तरह सिर्फ तुम्हें celebrity status चाहिए। मेरे फादर के सेलिब्रिटी स्टेटस के वजह से ही इस फर्म को क्लाइंट्स मिलते हैं, और आप शायद आरएल का फुल फॉर्म भूल गए होंगे, बट इट स्टैंड्स फॉर राजदीप राय सिंघानी लीगल, जिन्हें सब जानते हैं। एनीवे, आई आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन एंड नॉट योर डिसीजन। अनुष्का, मेरे पास एक आइडिया है। डेमोक्रेसी को डिसाइड करने देते हैं किस किस को लगता है कि अनुष्का को यह अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। ये तुम्हें नगरपालिका का इलेक्शन लग रहा है राजेश? नो चाचू, एक्चुअली आई वांट टू नो एवरीवन्स डिसीजन। तो जिसको लगता है कि अनुष्का को यह केस लेना चाहिए वो अपना हाथ ऊपर कर सकता है। सॉरी गाइज, मैं अंधेरी कोर्ट में था। क्या हो रहा है? हम लोग वोटिंग करके डिसाइड कर रहे थे कि अनुष्का को स्पेशल प्रोसिक्यूटर का केस लेना चाहिए या नहीं। राजेश, ये लॉ फर्म है, ये इलेक्शन नहीं है। मैंने एग्जैक्टली यही कहा था। नेक्स्ट व्हाट?
अनुष्का की चाय में शक्कर कितनी जाएगी उसके लिए भी हम वोट करेंगे। गाइस, एज अ फर्म वी डोंट ओन अनुष्का, और अनुष्का अपने डिसीजंस खुद ले सकती है जो वो फर्म के लिए लेगी, और जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा आई विल स्टैंड बाय इट। अब अगर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो गया हो तो थोड़ा काम कर ले। रन केवल इसलिए है कि वो राज सुखी हो, मानी हो, पराजय मिले उसे और वे अभिमानी हो। रण केवल इसलिए है कि वो कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा और अधिक जनों को लूट सके। स्कूल की तरह यहाँ पे भी ग्रेड्स मिलते हैं, और तुम्हें यहाँ की टॉपर बने रहना है। अच्छा लगता है यहाँ, एक ठहराव सा महसूस होता है। पता है अंकु, यहाँ के लोग बात सुनते हैं, समझते हैं, हंसी नहीं उड़ाते। मुझे लगता है कि भगवान हमारे अच्छे कर्मों का फल अब दे रहा है। फल भगवान का तो नहीं पता, लेकिन सबके कर्मों का हिसाब मैंने ज़रूर रखा। अभी शुरुआत है और वक्त आने पे कर्ज भी चुकाना होगा सबको। और तू ये सब, माँ यार आप फिर से शुरू नहीं हो जाना। कसम से आप ना नानू जी के ग्रामोफोन की तरह हो गई हो, बस एक जगह जहाँ रिकॉर्डर अटक गया सो अटक गया, वही रिपीट होता रहेगा। भरोसा नहीं है आपको आपकी बेटी पर? कुछ से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन बेटा मैं माँ हूँ इसलिए मैं डरती हूँ कि ये गुस्से और बदले की आग में कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी बेटी हूँ ना मैं। देख, तू अपने आप को कभी मत भूलना। अंकू, ये कभी मत भूलना कि तुझ में मेरा भी खून है। हाँ, beetroot, carrot, cucumber, feta cheese. Mm. Great combination, ma. Huh? Add some black pepper to it and voila. But kiddo, tumhe yahan pe recipes discuss karne nahi bulaya. Pata nahi tumse kaise bolun. Relax, hum lawyers jo hota hai na, wo part-time psychologist bhi hota hai. So puchna hai. Okay. It's about Virat. विराट एंड आयशा, आयशा के पहले भी रिलेशनशिप रहे हैं, बट इंडस्ट्री के बाहर दिस इज अ फर्स्ट। सो मुझे लगा कि यू नो शी लाइक्स हिम, शी सीरियस अबाउट हिम, एंड तुम्हारी हिस्ट्री रही है उसके साथ। लुक, आई एम सॉरी इफ दिस इज ऑकवर्ड फॉर यू, बट मुझे सिर्फ जानना है, इज विराट अ गुड पर्सन? यू नो आई डोंट वॉन्ट आयशा टू गेट हर्ट। Well, firstly, Virat was never my boyfriend. It was more of a situationship. Situationship? Yeah. और जितना मैं विराट को जानती हूँ, वो बहुत hardships देखी है उसने, बहुत ही struggle करके, hustle करके वो यहाँ तक पहुँचा है. It wasn't easy for him. थोड़ा सा मैन चाइल्ड सिंड्रोम है उसमें, दिल से एकदम बच्चा है वो, बट दिल का बुरा नहीं है।
बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए रिलेशनशिप्स को समझना उसके लिए इतना आसान नहीं है। बट आई होप उसे वो प्यार मिले जो जिसे वो चाहता है, सो दैट उसके अंदर जो वॉइड है वो भर जाए। एंड he'll keep Aisha happy. They look good together, no? सिचुएशनशिप में काफी कुछ जान गए उसके बारे में। He's just a colleague now, and a good one at that. Look, I'm sorry. I don't want to make this awkward for you, okay? But क्या करूँ? बड़ा भाई हूँ ना, थोड़ा protective हूँ. Of course. I'll speak to her. Actually, मुझे भी तुमसे कुछ मेरा clear cut है. तीन exes रहे हैं, you know. प्रशांत के केस में मुझे special prosecutor का offer मिला है. Congratulations. Look, I haven't said yes yet because I mean is case ki wajah se hamare beech, I know that tum aur Prashant kafi close ho. Hai jaise mera and frankly main janta hu that he's innocent. I truly believe him and I will get him the best defense, you know, because I believe he's innocent. But now wo shayad tumhare khilaf hoga. Wow, man, kuch samajh nahi aa raha. तो बेसिकली मेहताज केस सॉर्टेड होनी है आज बाद। सो सॉरी, मैं लेट हो गई यार। मेहताज कहाँ है? तुम्हारी तरह हेयरिंग भी लेट है और मेहताज की फ्लाइट ही तो वो निकल गए। ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ, विराट सर की एसोसिएट सिर्फ मैं हूँ। अंकिता, सर मैंने मेहताज के केस पे होमवर्क किया है। सो यूनियन लीडर चंदन गुज्जर पिछले 23 साल से उसी कंपनी में काम कर रहा है और 23 साल से हर केस हारने के बावजूद ही स्टिल द यूनियन लीडर। सो उसकी एक पूरी मैंने नो दिस, इसके लिए नहीं बुलाया। मैंने सब कुछ ट्राई किया, आई चेंज्ड, इंप्रूव्ड, यहां तक कि मैं लड़कियों से और अपने राइवल से तमीज से बात कर रहा हूं यार, तब भी कुछ नहीं हो रहा। बाला, थोड़ा आराम से, लड़की की फीलिंग्स है, स्विच नहीं है कि ऑन एंड ऑफ ऐसे ही बस हो जाएगी। पर इतने सालों का रहता है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ऐसे ही बस समेट लोगे? प्लीज, अगर इतना मैं किसी के लिए भी कर लूँ ना तो राजकुमारी भी मान जाएगी। रियली? राजकुमारी से याद आया, आज सुबह ही ना एक नोटिफिकेशन आया था न्यूज चैनल का। आजकल राजकुमारी के साथ ही दिख रहे हो हर न्यूज चैनल पे। राजकुमारी आयशा मेहरा, क्या है यार ये सब? देखो आज का लास्ट ज्ञान दे रही हूँ, प्यार की नदी दो कश्तियों पर सवार होकर पार नहीं की जा सकती। अपने आप को कोई फिल्म का हीरो मत समझो या विराट चौधरी। कांग्रेचुलेशंस विराट, टू यू टू। 11 वर्कर्स ने सेटलमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी के लोग भी हाँ कर देंगे अगर मैं उन्हें कहूंगा तो। आप थोड़ा रकम बढ़ा है? Okay, we'll discuss this and we'll sign the papers and जेल जाने का इरादा है क्या? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक लॉयर से ऐसे पैसे मांगना लगता है सिंह साहब ने सिखाया नहीं कुछ। केस नंबर 256, मेहता वर्कर्स यूनियन वर्सेस मेहता ग्रुप। चलें। वृंदा, मैंने अभी तक आपका केस एक्सेप्ट नहीं किया। आई वांटेड टू नो योर पर्सपेक्टिव बेटर। मेरा पर्सपेक्टिव सच का है अनुष्का,
तारा अपनी जान नहीं ले सकती। मैं अपनी बहन को बचा नहीं सकी, लेकिन मैं उसे हारने नहीं दूंगी। प्रशांत सब झूठ बोल रहा है। कैसा झूठ? सब कुछ। प्रशांत ने ये झूठी कहानी गढ़ी है कि तारा डिप्रेशन का शिकार थी, रियान के होने के बाद से ही ठीक नहीं थी। अकॉर्डिंग टू हिम रियान को भी प्रशांत ही देखता था। फिर एक दिन तारा की हिम्मत छूट गई और उसने खुद को घर में ही जब तक प्रशांत दूसरे कमरे से उस तक पहुंचा तब तक उसके हिसाब से तारा खत्म हो चुकी थी। My sister was a happy soul. Mental illness का बहाना बनाकर वो अपना क्राइम छुपा रहा है। मेरी बहन एक बहुत ही focused, happy और enthusiastic औरत थी। She loved her family and she loved her life. पर शायद उसे कुछ ऐसा मालूम था कि प्रशांत ने ही या फिर किसी और ने उसके कहने पर How can you be so sure कि ये मर्डर है? प्रशांत न्यूज एंकर से ज्यादा एक एक्टर है। वो आंखों में देख कर झूठ बोलता है, सब फेक है। सेकेंडली उसका अफेयर चल रहा था और तारा को पता चल गया था उसके बारे में। एंड लास्टली तारा ने मुझे कॉल किया था एक रात पहले उसकी मौत से। She wanted to tell me something, लेकिन फोन पर नहीं बताना चाहती थी। उसके अगले ही दिन हम मिलने भी वाले थे कि क्या आपके पास कोई प्रूफ, एनी एविडेंस, विटनेस कुछ? इसलिए तो मैंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर के लिए रिक्वेस्ट की थी। मैं ये अकेले नहीं कर सकती अनुष्का, तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो सच जाने में। प्लीज अनुष्का, तारा के लिए प्लीज।